हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी में जो कीड़े पाए जाते हैं, इन कीड़ों को हम कैसे निकालें। ज़्यादातर सब्जी बनाते वक्त हमें गोभी में कीड़े एक आम समस्या देखनी पड़ती है। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं, कई बार सफ़ेद रंग के होते हैं, तो बार बार निकालना और इनको ध्यान से हटाना एक मुश्किल होती है, ख़ास तौर पे फूल गोभी में और पत्ता गोभी में। इनको निकालने का आज हम एक सरल सा उपाय आपको बताती हूँ। गोभी, फूल गोभी हो या पत्ता गोभी हो, दोनों को जो भी आप बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम फूल गोभी की बात करते हैं, आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लें और उसको काट लें, जैसे आप बनाना चाहते हैं वैसे थोड़े मोटे पीसेस में काट लें। गैस के ऊपर एक पैन या भगोना रखें, उसमें पानी डालें। पानी अंदाजे से इतना लीजिए कि उसमें आपका आपकी गोभी के टुकड़े सारे अच्छी तरह डिप हो सकें। पानी को आप उबाल लीजिए। पानी उबल जाने के बाद, बॉईल होने के बाद गैस ऑफ कर दीजिए और इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालिए। अब इस नमक वाले पानी के अंदर जो भी आपने गोभी के पीसेस करे हैं, वो सारे पीसेस इसके अंदर डाल के और गोभी को इसी तरह कम से कम 20 या 25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए चाहें तो, इसमें डिप करके छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद आप जब इसको देखेंगे, आप देखेंगे कि गोभी भी थोड़ी नरम हो गई है और इसमें जो कीड़े थे वो मर गए हैं और मर के पानी में ही तैरने लगते हैं। इसका एक फायदा और भी है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आजकल पेस्टिसाइड्स का बहुत स्प्रे होता है सभी सब्जियों के ऊपर। नमक के पानी में, उबले हुए पानी में धोने से पेस्टिसाइड्स भी निकल जाते हैं, कीड़ों के साथ साथ पेस्टिसाइड से भी छुटकारा मिल जाता है। अब आप गोभी को निकाल लीजिए और इसे नॉर्मल पानी में एक दो बार दोबारा वॉश कर लीजिए और इसके बाद इसे एक साफ प्लेट में रख के थोड़ी देर सूखने दीजिए, ताकि इसके अंदर का एक्सेस मॉइस्चर या एक्सेस पानी जो है ज़्यादा, वो निकल जाए और ये सेमी ड्राई, हल्की सूखी सूखी सी बन जाए, ताकि आप जब इसे तेल में डालें तो ज़्यादा छींटे नहीं पड़े। पत्ता गोभी, फूल गोभी दोनों को आप इसी प्रकार से कीड़ों से मुक्ति दिला सकते हैं। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।